Yeah. मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम कई सारे करंट अफेयर के सवाल है जो कि कवर करते हैं। आज है सैटरडे और सैटरडे को भी अपनी दोनों क्लासेस जो है वो रेगुलर होती है, चाहे वो 5 बजे वाली हो चाहे वो 8 बजे वाली हो। 8 बजे वाली को भी ज्वाइन जरूर करिएगा ताकि आपकी नॉलेज जो है इंप्रूव हो सके और काफी कुछ है जो कि हम आज सीखने वाले हैं। आज जो है सुबह 8 बजे आपका करंट अफेयर होगा और कल सुबह 8 बजे यानी कि कल संडे है तो मैं आपको वन लाइनर जो है वो करंट अफेयर देने वाला हूं जो कि किस कौन से महीने के होंगे, अगस्त महीने के होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन डे देखते हैं जो कि मैंने कल आपको दिया था। कल मैंने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच और मुख्य चयनकर्ता किसे नामित किया गया है, तो वो कौन है, मिसबाह उल हक को किया गया है। और साथ में बॉलिंग कोच की बात करें तो बॉलिंग कोच किसे बनाया गया है, वकार यूनिस को क्या बनाया गया है, बॉलिंग कोच है जो कि बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, सवाल पेपर में आ सकता है। आज का पहला सवाल, सिनिलेक्स 2019 भारत और डैश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो सिनिलेक्स की बात करें तो सिनिलेक्स से ही नाम से पता लग रहा है इंडिया और कौन सा है, सिंगापुर है। ठीक है, बताइए। देखो सिमिलेक्स होगा ना, सिमी तो हो जाएगा सिंगापुर, लेकिन सिली होगा SLI हो जाएगा तो श्रीलंका आपका आंसर होगा, सिंगापुर नहीं होगा, श्रीलंका आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। सिलिनेक्स का मतलब है श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में क्या है, ये जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडो लंका मैरीटाइम फ्लीट एक्सरसाइज है सिनिलेक्स। साथ में मित्रा शक्ति भी ध्यान रखिए, वो भी किसके बीच में होती है, भारत और किसके, श्रीलंका के बीच में होती है। ठीक है, दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आज का अपना, बच्चों के लिए देश का पहला फन जोन रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। तो अगर बात करें इसको स्थापना की तो दोस्तों इसको कहां पे, विशाखापट्टनम के अंदर स्थापित किया गया है, तो विशाखापट्टनम आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा। बच्चों के लिए देश का पहला फन जोन विशाखापट्टनम के अंदर बनाया गया, आप देख सकते हैं इस तरीके की इमेज भी यहां पे दिखाई गई है आपको। ओके, रेलवे पे स्टेशन पे आपको मालूम है काफी वेट करना पड़ता है, तो इसलिए एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए फन जोन है जो कि तैयार किया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे, ताकि बच्चे अपना बढ़िया टाइम पास वहां पे कर सके। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने सिस्टर स्टेट के लिए अमेरिका के डेलावेयर राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। ओके, तो यहाँ पे सिस्टर स्टेट के बारे में आपको बताना है, तो किसके लिए करे गए दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, गुजरात आपका सही आंसर है जो कि हो जाएगा। तो डेलावेयर जो स्टेट हो अमेरिका का, वैसा स्टेट बनाने की बात करेगी कौन से, गुजरात को। तो गुजरात के जो गवर्नमेंट और डेलावर स्टेट ऑफ अमेरिका ने साइन किया MOU, जिसके अंदर क्या करेंगे, सिस्टर स्टेट यानी कि एक जैसे स्टेट है दोनों को बनाने की यहां पे बात करी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए गुजरात के बारे में बात करिए, थोड़ा सा बताइए गुजरात के CM कौन है, गवर्नर कौन है, ये सब भी आपको बताना जरूरी है। गुजरात के CM की बात करें तो विजय रूपानी आप सभी को मालूम है, और गवर्नर कौन, आचार्य देवव्रत है जो कि अभी वहां पे गवर्नर है। सबसे बड़ी सिटी कौन सी, अहमदाबाद है, गांधीनगर राजधानी है, 1960 के अंदर ये राज्य बना था हमारे यहाँ पे, और वहां की विधानसभा में कितनी, 182 कहां पे, विधानसभा में सीट है। इसके अलावा बात करें वहां की राज्यसभा लोकसभा में, तो राज्यसभा के अंदर तो है 11 और लोकसभा में है वहां पे कितनी, 26 वहां पे सीट है। गुजरात हाईकोर्ट है वहां पे। इसके अलावा लैंग्वेज की बात करें तो गुजराती लैंग्वेज जो है वहां पे चलती है, सेकेंड हिंदी है वहां पे। एनिमल की बात करें एशियाटिक लायन, बर्ड की बात करें ग्रेटर फ्लेमिंगो, फ्लावर है वहां पे मैरीगोल्ड, स्टेट का फ्रूट है मैंगो और ट्री है बैनियन। बहुत सारे राज्यों का जो ट्री है वो बैनियन है ऑलरेडी, है ना, 33 डिस्ट्रिक्ट है जो कि अभी गुजरात के अंदर है। चलिए ये मैंने आपको यहां पे बताई दिया है। ठीक है, अगला सवाल था आपका ये वाला कि वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार अगर IMF को ना गिना जाए तो भारत व्यक्तिगत देश रैंकिंग में स्वर्ण रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पे होगा। तो देखिए आज कल मैंने सुबह इसको 8 बजे करंट अफेयर में डिटेल में बात भी किया था कि दुनिया में नंबर 1 पे गोल्ड रिजर्व में कौन है, USA है, सेकंड नंबर पे चाइना है, और तीसरे नंबर के ऊपर कौन सा है, IMF है, और भारत कौन से नंबर के ऊपर था, 10वें नंबर पे था।
इंडिया जो था वो 10वें नंबर पे था, कोई 625 टन जो है वो गोल्ड भारत के पास था। अभी अगर IMF को हटा दिया जाए तो भारत 10वें से कौन से नंबर पे आ जाएगा, 90वें पे आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों अगर IMF को हटाने के बाद भारत कौन से 90वें नंबर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भारत यानी कि कुल मिला के टॉप 10 देशों के अंदर है। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले को कितनी पुरस्कार राशि है जो कि प्रदान करी जाती है। ठीक है, ये आपको यहां पे बताना है। यहां पे बात करें कि अगर कितनी राशि दी जाती है तो दोस्तों जान के आपको हैरानी होगी कि देश का नेशनल टीचर अवार्ड जो है, टीचर का हमारे देश में, देखो टीचर के बिना दुनिया में कोई भी प्रोफेशन नहीं हो सकता है ना, आपको मालूम ही है, क्योंकि किसी ना किसी को सिखाना पड़ेगा ना। तो दुनिया में विदाउट एजुकेटर जो है कोई भी दुनिया में प्रोफेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देश में नेशनल टीचर्स अवार्ड की बात करें तो मात्र 50,000 रुपए जो है वो प्राइज मनी रखी है। हालांकि जो है हमें कभी मेजर भी नहीं करनी चाहिए प्राइज मनी से, किसी भी अवार्ड का जो एक ऑरा होता है, जो उसकी एक रेस्पेक्ट होती है, लेकिन इवन दो फिर भी जो है एक अच्छा अमाउंट है जो कि होना चाहिए। तो सिल्वर मेडल जो है, कैश रिवॉर्ड जो है वो 50 रुपए नेशनल अवार्ड में दिए जाते हैं, राष्ट्रपति भवन के अंदर इस अवार्ड को दिया गया। अगला सवाल है, हाल ही में किरण नागरकर का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थे। तो किरण नागरकर की बात करें तो दोस्तों ये कौन थे, ये बहुत ही फेमस कौन थे, नोवेलिस्ट थे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, नोवेलिस्ट यानी कि आपका उपन्यासकार आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फोटो आप देख सकते हैं दोस्तों, उनका उपन्यास था क्यू, यहाँ पे ये बहुत फेमस था। ठीक है, क्यू कोल्ड नाम का था जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। हाल ही में निकी मिनाज ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा करी, वह एक प्रसिद्ध डैश थी। तो निकी मिनाज दोस्तों कौन थी, बहुत ही फेमस कौन थी, म्यूजिशियन थी, है ना, संगीतकार थी। आप ये फोटो देख सकते हैं निकी मिनाज की, सिंगर और रैपर निकी मिनाज ने अनाउंसमेंट कर दिया रिटायरमेंट से म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर। ओके, काफी सारे ओवर हो गया और भी बीम विथ माई स्कूटी, काफी सारे जो है इनके गाने आए थे, काफी फेमस भी रहे। अगला सवाल देखते हैं जो कि है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में एक नया डिजी स्मार्ट क्रेडिट कार्ड है जो कि लॉन्च किया है। डिजी स्मार्ट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया दोस्तों, ये आपको बताना है और आंसर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के द्वारा जो है इसकी शुरुआत करी गई। ओके, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर कहां पर है, लंदन के अंदर स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्या है, हेडक्वार्टर है। अभी यहां के अगर बात करूं मैं चेयरमैन कौन है तो जोस करके एक पर्सन है जो कि वहां पे चेयरमैन है। ठीक है, बहुत ही पुराना बैंक है, वहां पे लंदन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, एक्चुअली में इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड चार्टर ने क्या किया है, एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसने लॉन्च किया डीजी स्मार्ट क्रेडिट कार्ड, जो कि किसके ऊपर फोकस करेगा, जो एवर जो ग्रोइंग सेगमेंट है ना मिलेनियल्स का, उसके ऊपर ये क्या करेगा, फोकस करेगा। अगला सवाल देखते हैं जो कि आपका अगला सवाल है, यहां पे निम्नलिखित में से किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए एक्सप्रेस इंडिया द्वारा 2019 IT उत्कृष्ट पुरस्कार जीता है। तो IT उत्कृष्ट पुरस्कार की अगर मैं बात करूं कि ये किसके द्वारा जीता गया है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गणेशी लाल जो है वहां पे कौन है, अभी गवर्नर है, और CM कौन है, नवीन पटनायक है जो कि अभी वहां पे CM है। भुवनेश्वर क्या है, वहां की राजधानी है। और बात करें वहां की सीटों की तो वहां पर कितनी विधानसभा की, 147 सीटें हैं जो कि वहां पे विधानसभा की है। लोकसभा राज्यसभा की बात करें दोस्तों तो लोकसभा के अंदर यहां पे सीटें हैं आपकी 21 और राज्यसभा की यहां पे सीटें कितनी है, 10 यहां पे सीटें हैं। आंसर हो जाएगा आपका यहां पे उड़ीसा। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे। एक्सरसाइज STENTR 2019 प्रत्येक वर्ष डैश द्वारा आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो किसके द्वारा दोस्तों ये TSENTR जो एक्सरसाइज है ये कराई जाती है, ये आपको बताना है। इसके अलावा घर बैठे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप से। 7 दिन का फ्री ट्रायल भी आपके लिए, आप एक बार डाउनलोड करिए, 7 दिन का फ्री ट्रायल लीजिए और आप देखिए परखिए, उसके बाद आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें पहले, उसके बाद में ओपन करें, उसके बाद में यहाँ पे दिख सकते हैं आप, यहाँ पे नीचे जाके आपको ओपन करना, प्लस में जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से अपना रेलवे गोल सेलेक्ट करें, फिर गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर जाएं। अगर आपको पसंद आता है तो आप क्या कर सकते हो, 3 महीने 6 महीने 12 महीने का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कूपन कोड के अंदर WiFi डालिएगा और अप्लाई करिएगा तो आपको 10% ऑफ भी यहाँ पे हाथों हाथ मिल जाएगा। उसके बाद एनरोल करके आप सारे कोर्सेज की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। किसी भी समस्या के लिए इस नंबर के ऊपर या फिर कॉल भी या व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है।
दोस्तों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण सेशन। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप इस तरीके से अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। मिलते हैं वापस 8 बजे वाली क्लास में। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।